थाना सेक्टर 126 नोएडा पुलिस द्वारा नोएडा NCR क्षेत्र में लोगों के साथ धोखाधड़ी कर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर मोटी रकम ठगने वाले संगठित गैंग के 10 शातिर अभियुक्त व एक अभियुक्ता गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में हमारी टीम द्वारा अपराध में अपराधियों की कार्रवाई के दौरान थाना सेक्टर 126 और हमारी टीम द्वारा एक ऐसे गैंग के साथी सदस्यों को गिरफ्तारी की गई है जिनके द्वारा भोले भाले लोगों को नौकरी के नाम पर विदेश भेजने के नाम पर ठगी की जा रही थी। कुल 11 लोग जिसमें एक महिला भी सम्मिलित है इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से कंप्यूटर, लैपटॉप और करीब 140 से ऊपर पासपोर्ट बरामद हुए हैं और इनके पास से विभिन्न मंत्रालयों के फर्जी दस्तावेज, इसके साथ साथ करीब 700 से ऊपर फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद हुए हैं। इनके द्वारा जैसे पूछताछ में भी जानकारी मिली है, सोशल मीडिया साइट्स को आधार बनाते हुए इनके द्वारा ऐसे लोग जो नौकरी के नाम पर विदेश जाना चाहते हैं उनसे कॉल सेंटर के माध्यम से ठगी करते हैं। इसके साथ साथ उनको दस्तावेज उपलब्ध करा करके एयरपोर्ट पर बुलाते हैं और एयरपोर्ट पर इनका कोई आदमी नहीं मिलता है, फिर उस समय जब लोग इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो ये वहां उपस्थित नहीं होते हैं। इस प्रकार आदमी जो बेरोजगार युवक हैं उनके साथ इनके द्वारा ठगी की जा रही थी। हमारे द्वारा सर्च के दौरान 19,000 रुपया कैश बरामद हुआ, साथ ही साथ इनके बैंक अकाउंट्स के लिए हमारी टीम लगी हुई है और उन बैंक अकाउंट्स को हम फ्रीज भी कराएंगे। अभी इस गिरोह में और कितने सदस्य हैं इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, इनके आपराधिक इतिहास के बारे में हमारे द्वारा जानकारी की जा रही है। जिस बिल्डिंग पर जिनके साथ रेंट एग्रीमेंट के आधार पर इन्होंने अपनी कंपनी इकोटेक खोल रखी थी उनकी भी तलाश जारी है, उनकी संलिप्तता उनकी भूमिका के संबंध में भी हमारे द्वारा विवेचना की। सर कौन कौन सा देश था, कोई पर्टिकुलर देश था या हर जगह जाने के लिए मना? ये जिस हिसाब से क्लाइंट से बात करते थे, चूंकि इनको कहीं भेजना नहीं होता था तो ये किसी देश के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करके फर्जी तैयार करना था, ना कहीं जाना था ना कहीं आना था। बेसिकली खाड़ी देशों के अलावा अन्य देशों के लिए भी इनके द्वारा पासपोर्ट, वीजा और बाकी चीजों की तैयारी की जाती है। कब से काम कर रहे थे ये? हमारी जो पूछताछ में पता चला है करीब 4 साल से ये काम कर रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास इनके द्वारा भी नहीं बताया गया, लेकिन हम CCTNS के माध्यम से इनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये अभी हमारे पास जो बरामद हुए हैं करीब 700 से ऊपर नियुक्ति पत्र एक दिन में बरामद हुए हैं, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों के साथ इन्होंने ठगी किया है। क्योंकि जब ये अरेस्ट हुए हैं तो हो सकता है कि विक्टिम्स हमसे संपर्क